हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम। अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, 10 ओम दिए हुए हैं आपके जो करेंट्स, और वो मतलब करेंट्स क्या रेजिस्टेंस है, और अक्रॉस द बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। अब सबसे पहला चीज जो मैं करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, वो होगा आपका की कंसेप्ट। की कंसेप्ट, अब जो की कंसेप्ट हम यहां पे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे लिखते हैं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब अगर आप जो भी बोलते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले तो सर्किट होगा। सर्किट में पहले ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये एक और रेजिस्टेंस हो गया, और ये चारों रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन हो, ऑब्वियसली वो बैटरी वाला होगा। ऐसे बनाते हैं, बैटरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 ओम भी अटैच्ड है अलोंग विद द गैल्वेनोमीटर। ये क्या हो गया फिर से, ठीक है, डायग्राम उतना सिमेट्रिकल नहीं है, पर वो छोड़ दीजिए। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एक और 10 ओम है। अब फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो कंडीशन होता है वो होता है पी, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्यू, पी क्यू बराबर आर एस, कुछ लोग मतलब पी आर बराबर क्यू एस होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पी आर बराबर क्यू एस, अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे या आप जो बोलना चाहते हैं। ये हो गया आपका पी आर बराबर क्यू एस, तो इसको अगर आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाई एस बराबर क्यू बाई आर। ये आपका एक और हो गया रिलेशन, ये है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन। अब इस हिसाब से अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू आर एस, तीन चारों ही रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस बराबर 10 ओम। देयरफॉर जो कंडीशन है दैट इज, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्योंकि नहीं तो ऑर्डर में डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। देयरफॉर पी बाई एस बराबर क्यू बाई आर, सर्किट इज बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज। तो ये प्रूफ हो गया। अब इससे हमें फर्दर जाना पड़ेगा, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पता है कि बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर वाला आपका यहाँ पे वायर है, इसके इस हिसाब से यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे ये जो आई है ये आई हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप बीच में 10 ओम ऐड करे या कुछ भी ऐड करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप, मैं नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q, ठीक है, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे ऑब्वियसली सर्किट तो है ही। अभी यहाँ पे 10 ओम 10 ओम, सारे 10 ओम है, छोड़ दीजिए आप, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। देयरफॉर जो R इक्विवेलेंट यहाँ पे 20 हो गया, तो 20/20 पैरेलल में हो गया, ये का ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, तो 20/2 जैसे पैरेलल में हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसी हिसाब से जो फॉर्मूला होगा मतलब जो आंसर होगा, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट बराबर 20/2 ओम, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेसिकली 10 ओम। That is the final answer to this question is basically option number A, that is 10 ohm. Hope you understand the solution well, and best of luck.